आप देख रहे हैं फास्ट इंडिया न्यूज़ वन, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आजमगढ़ के मंदूरी हवाई पट्टी के विस्तार को लेकर किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के खिलाफ किसान पंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत सरकार के खिलाफ दम भरा। बताते चले कि मंदूरी स्थित हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की तरफ से चल रहे किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत आज समीप के जमुआ गाँव में किसान पंचायत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दम भरा कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते हैं तो कोई उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले पाएगा और इसके लिए ग्रामीणों को एकजुटता दिखानी होगी। सरकार एक एक कर कमजोर कड़ी को तोड़ने का प्रयास करेगी, लेकिन अगर सभी लामबंद रहेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी और यह आंदोलन तभी खड़ा हो पाएगा जब लोग अपनी जमीन का अधिग्रहण नहीं कराएंगे। उन्होंने पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में टाटा फैक्ट्री और राजस्थान के जालोर में अदाणी के रिफाइनरी प्लांट का उदाहरण भी दिया और कहा कि विरोध के चलते लौटना पड़ा। राकेश टिकैत ने कहा कि आजमगढ़ में मंदूरी में जो वर्तमान हवाई पट्टी है उसी से काम चलाना चाहिए। यहाँ पे आज आए हैं जो मदरी एयरपोर्ट के नाम से जो सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी तो काफ़ी दिन से थी, यहाँ के लोग लगे हुए भी हैं। जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है, अगर किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए। जबरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी, उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं और यहाँ के गांव वालों से भी उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन जबरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन बरगला लिए हैं और इसलिए यहाँ के विकास नहीं चाहते। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की ज़मीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा लेंगे, ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बच के रहें, सबसे पहले जो बंजर ज़मीन होगी वो उसके अपने पक्ष में करेंगे, जिसके पास में राशन होगा राशन वाले की ज़मीन लेंगे, जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी ज़मीन लेंगे, जो टीचर होगा सरकारी कर्मचारी होगा वो सबसे पहले ज़मीन देगा, उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान जमीन देगा। ये इस तरह की जमीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल खराब करने की बात जरूर करेंगे। ये उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रहा, उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को, ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर जमीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में। सर, फाइनली नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं, पीटा जा रहा है किसानों को, पीटा जा रहा है। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कलकत्ता में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैन कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ इस तरह, इसको भी वापस कराएंगे आप लोग विधायक आंदोलन करके? देखो, बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ। मेरे किसान अपनी ज़मीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और आंदोलन का धार तो लोकल के लोग देंगे यहाँ पे। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? नहीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिलाएं ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहे और ये करें कि अपनी ज़मीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर उन्होंने जमीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की मंशा, उनको देंगे एयरपोर्ट बना के, उन्हीं को देंगे देने के लिए। उद्योगपतियों को बढ़ावा देगी सरकार, उसमें लगी हुई। विपक्ष की क्या भूमिका रहना चाहिए? विपक्ष को कैसे सहयोग लेंगे आप? और विपक्ष का तो क्या पता है, हमें तो अपना पता आंदोलनकारियों का, और विपक्ष का क्या पता है उनका क्या रहेगा। 28 दिन यहाँ के सांसद हुए हैं, सांसद यहाँ से तो बीजेपी का होगा, और वो क्यों आओगे यहाँ पे? उसे किसी हकीम ने बता रखे यहाँ पे आएगा? जब वो उनकी सत्ता नहीं रहने की, दूसरी कोई पार्टी लेगी तो जब आएगा? सत्ता वाला कहाँ आया करे? विपक्ष भी नहीं आ रहा ना, सत्ता को इशारा कोई नहीं। विपक्ष वालों को आना चाहिए यहाँ पे। और आगे हम तो किसानों के बीच के ही तो हैं, हम तो आएंगे। आप आएंगे? आएंगे खुलकर? हाँ, घूर के आप ऐसे आ करें, हम आप कैसे खुल के आएंगे?